बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल वीरू टिप्स विद खदीजा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आई होप्स हो कि आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी खुद की पर्सनल नेचुरल टीथ वाइटनिंग होम रेमेडी, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, उसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए इस रेमेडी को कर लेते हैं तैयार। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने ले लेना है साल्ट। साल्ट आपके पास नीट होना चाहिए फ्रेंड्स। और नेक्स्ट आपने ले लेना है कोलगेट। और नेक्स्ट जो आप चीज़ लेने वाले हैं वो है फ्रेंड्स, आपके पास नीट एंड क्लीन ब्रश होना चाहिए। और नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग लेने वाले हैं वो है जी लेमन जूस। आपने हाफ लेमन ले लेना है फ्रेंड्स। आप लेमन के बारे में जानते हैं कि ये हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है, इसके साथ साथ ये हमारे टीथ के लिए भी एक अमेजिंग रिजल्ट हमें देता है फ्रेंड्स। ये नेचुरल होम रेमेडी है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है फ्रेंड्स। आपने हाफ लेमन जो है वो निचोड़ लेना है, इसके बीच निकाल लेने हैं और क्लीन बाउल में इस लेमन को निचोड़ लेना है फ्रेंड्स। आप देखिएगा आपके दांत मोतियों की तरह चमकने लग जाएंगे सिर्फ एक ही दिन इस्तेमाल से। आपने दिन में 3 दफ़े इस ब्रश को करना है फ्रेंड्स। और ये देखिए, मैं इसमें से जो बीच है वो निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। अच्छी इस मिक्सचर को बना लेना है और इसका जो तरीका है वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ फ्रेंड। आपने ले लेना है सॉल्ट और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। मैं आपको बता देती हूँ कि ये सॉल्ट जो है ये एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, जो कि हमारी स्किन के साथ साथ हमारे टीथ को भी एक बहुत ही प्यारी सी वाइटनिंग प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और आपने अब अपने ब्रश जो है इस मिक्सचर में डिप कर लेना है फ्रेंड्स। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपने इस रेमेडी को तैयार करके यूज़ करना है फ्रेंड्स। आपके जो टीथ हैं वो मोतियों की तरह चमकने लग जाएंगे और एक ही दिन के इस्तेमाल में आप देखिएगा फ्रेंड्स कि आपको कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं फ्रेंड्स। आपने अपना ब्रश जो है इसमें डिप कर लेना है इस मिक्सचर में। सबसे पहले आपने अपना ब्रश इस मिक्सचर में डिप कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने जो अपनी कोलगेट है वो अपने दांतों के अकॉर्डिंग आपने कोलगेट इस ब्रश पे लगा लेनी है। लगा लेने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने ब्रश करना है फ्रेंड्स। आपने जहाँ जहाँ आपकी जो है पिलाहट है, दांत जहाँ जहाँ से ज़्यादा येलो हैं, वहाँ आपने जो है ब्रश ज़्यादा जो है वहाँ पे मसाज करना है ब्रश का। आपने इसमें लेमन हम लोगों ने ऐड किया है और साथ में हमने इसमें जो ऐड किया है सॉल्ट, इससे आपके दांतों की जो है सारी जो पिलाहट है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके दांत जो होंगे मोतियों की तरह लश्कारे मारने लगेंगे और देखने वाला भी जो है देख के शर्मा जाएगा आपकी इन लश्कारों को फ्रेंड्स। ये रेमेडी बहुत ही अमेजिंग है, एक नेचुरल रेमेडी है। आपने काफ़ी सारी जो है वाइटनिंग टीथ हैक्स ट्राई किए होंगे, लेकिन ये वही नेचुरल वाइटिंग हैक है जिससे आप अपने दांतों को मोतियों की तरह चमका सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपके सामने अपने नेल्स पे आपको इसका मेथड बता रही हूँ कि कैसे आपने इसको लगाना है फ्रेंड्स। बस डिप करते जाएं और लगाते जाएं। इस मिक्सचर को आप 1 डे के लिए भी बना सकते हैं, 2 डेज के लिए भी बना के रख सकते हैं और डेली रूटीन में इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप देखिएगा आपके फेस से, आपके मुंह से जो स्मेल आती थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और ऐसा ऐसा जो है आपकी जो पिलाहट है दांतों की वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और आपके दांत मोतियों की तरह चमक उठेंगे। इसमें हमने जो विटामिन सी का जो एक इंग्रेडिएंट डाला है यानी कि लेमन, लेमन जो है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। जैसे वो हमारी स्किन को टाइट और ब्राइट करता है, सेम ऐसे ही वो हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है और ब्राइट करता है। और फ्रेंड्स, आपके जितने भी प्रॉब्लमेटिक्स, जितने भी इश्यूज हैं दांतों के, वो सारे इस रेमेडी से रिड्यूस हो जाएंगे। 3 टाइम्स आपने इस पेस्ट को यूज़ करना है अपनी कोलगेट पेस्ट के साथ और मिनटों में आप जो है इसका रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने दांतों को मोतियों की तरह चमकाएं और हमेशा प्यारी सी स्माइल करते रहें। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा और साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह।